अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया भर में ब्रिज इंसान की ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं और इनकी मदद से सैकड़ों मील का फासला मिनटों में तय हो जाता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत से ब्रिज देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद खतरनाक तरीन ब्रिज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, 7 माइल ब्रिज। दोस्तों, ज्यादातर ब्रिज खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये पुल समंदर की तह से सिर्फ 65 फुट ऊंचा है। ये पुल फ्लोरिडा में समंदर के बीच में बनाया हुआ है और पानी से चंद फुट ऊंचाई इसका रोड है। ये देखने में भी बहुत खौफनाक लगता है। इस पुल की लंबाई 7 मील है और ये फ्लोरिडा के एक शहर को दूसरे शहर से मिलाता है। इस पुल की सबसे खौफनाक बात यह है कि अगर समंदर में तूफान आ जाए तो लहरें इस पुल पर चलने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाएंगी। ये पुल सच में बहुत खौफनाक है। नंबर 2, रॉयल गॉर्ज ब्रिज। दोस्तों, ये पुल क्लोराडो में वाकया है। 2001 तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज था। इसे 1929 में बनाया गया था। इसे बनाने में $3,50,000 का खर्चा आया था। ये ब्रिज जमीन से 1,260 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये दो बड़े पहाड़ों के दरमियान बना हुआ है। इसे बनाने में सिर्फ 6 महीने का वक्त लगा था। 200 टन वजनी दो मेन केबल इस पुल को होल्ड करके रखती हैं। इस पुल पर कदम रखने से भी आप गुरेज करेंगे क्योंकि इसके रास्ते लकड़ी के बने हुए हैं। ये दिखने में वाकई बहुत खतरनाक है और जब आप इस पर चलेंगे तो नीचे की लकड़ियाँ काफी हिलती हैं और ऐसा लगता है कि ये अभी टूट जाएंगी और इंसान नीचे गिर जाएगा। ये सच में ही एक खतरनाक पुल है। नंबर 3, कोलिन ड्रैगन ब्रिज। दोस्तों, अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो इस ब्रिज पर जाना तो दूर, बल्कि इसको देखकर ही आप दंग रह जाएंगे। कई लोग इस पर जाने की हिम्मत तो करते हैं लेकिन 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। ये पुल जमीन से 5,000 फीट की बुलंदी पर बना हुआ है और सबसे मजेदार बात यह है कि इस ब्रिज को ग्लास से बनाया गया है, यानी आप इस पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चलेंगे। इसमें लगाए गए क्लीन ग्लास से नीचे की गहराई साफ नजर आती है, जिसकी वजह से चक्कर भी आ सकते हैं। एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये सबसे जबरदस्त जगह है। नंबर 4, हैंगिंग ब्रिज ऑफ गासा। दोस्तों, ये खतरनाक तरीन पुल नेपाल में वाकया है। इस ब्रिज को स्विंगिंग ब्रिज भी कहा जाता है। ये पुल देखने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस पुल की सबसे खतरनाक बात यह है कि एक तो ये ऊंचाई पर वायर की स्पोर्ट से बना हुआ है, दूसरा जिस जगह ये तामीर किया गया है वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से कई बार ये हवा की वजह से झूलता हुआ नजर आता है। इस पुल को वहाँ रहने वाले डेली इस्तेमाल करते हैं। चौड़ाई कम होने के बावजूद भी कुछ लोग तो इस पर बाइक्स भी ले आते हैं। ये पुल सच में ही बहुत खौफनाक है। नंबर 5, टिटलेस क्लिफ वॉक। दोस्तों, ये खूबसूरत और नहायत खतरनाक पुल स्विट्जरलैंड में वाकया है। इस ब्रिज पर जाने से पहले आपको एक पहाड़ी पर चढ़ना होगा और इसके बाद एक बर्फ से बनी गार से गुजरना होगा, तब जाकर आप इस पुल तक पहुँचेंगे। इस पुल की लंबाई तकरीबन 330 मीटर है। ये कमाल का ब्रिज समंदर की सतह से 10,000 फीट ऊंचा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है। इस पुल की चौड़ाई सिर्फ 1.5 मीटर है। ये पुल पहाड़ों की एक चोटी से दूसरी चोटी तक बना हुआ है। जब आप इस पुल के ऊपर चलते हैं तो ये काफी हिलता है, जिससे खौफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप किसी ठंडी जगह का एडवेंचर करना चाहते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।